आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ऑर्डर क्या होते हैं और टाइप क्या होते हैं। ऑर्डर और टाइप किसी कंट्रोल सिस्टम के क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे और उसका एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे कि वो जो सिस्टम दिया हुआ है वो किस टाइप का है और कितना ऑर्डर है उस सिस्टम का। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ सिस्टम। सबसे पहले किसी सिस्टम को हम लोग उसको कैपेसिटी को सिस्टम के कैपेसिटी को किसके द्वारा दिखाते हैं, ट्रांसफर फंक्शन के द्वारा यानी गेन के द्वारा। तब उस सिस्टम को ही बता रहे हैं ना कि यह सिस्टम किस प्रकार का है। तो चूंकि सिस्टम को दिखा रहे हैं हम लोग ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो उसी बात से ये बात पता चलेगा कि वो सिस्टम किस ऑर्डर का है और किस टाइप का है। तो सबसे पहले हमको क्या मानना होगा कि कोई एक सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन, कोई एक सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है। मानते हैं कि पी क्यू पी एस यानी ऊपर वाले जो हैं पी एस बाई क्यू एस है। यही बात हमने बताया, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है, के इंटू एस प्लस टू बाई एस प्लस टू इंटू एस प्लस थ्री, चलिए इसको फोर कर देते हैं। यानी कोई सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन कितना है, ये है ट्रांसफर फंक्शन यानी गेन बराबर पी एस बाई क्यू एस बराबर के इंटू एस प्लस टू बाई एस प्लस फोर इंटू एस प्लस थ्री, एक सिस्टम दिया हुआ है। तब हमको इसमें पता ये करना है कि ये किस ऑर्डर का सिस्टम है। तो ऑर्डर बोला जाता है कि जो मैक्सिमम होता है, नंबर ऑफ मैक्सिमम एस, कितने एस हैं इसमें, ऐसे समझिए। मान लेते हैं कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करते तो एस का मैक्सिमम पावर कितना होता, इसको हम मल्टीप्लाई करते तो एस का मैक्सिमम पावर कितना होता, एस स्क्वायर। हम डिनोमिनेटर टर्म को बोल रहे हैं, कौन सा इक्वेशन यहां पे लेना है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो मान रहे थे वही वाला। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में डिनोमिनेटर को कंसिडर किया जाता था या नोमिनेटर को कंसिडर किया जाता था। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता था, ये वाला से बनता था, यानी ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता था उससे। तो यहां पे भी जो टाइप्स डिफाइन होंगे या टाइप्स या ऑर्डर, दोनों के दोनों किस बात से डिफाइन होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से। तो हमने यहां देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यानी डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है वो उसका मैक्सिमम पावर कितना है, एस का मैक्सिमम पावर। तो मल्टीप्लाई कीजिए एस इंटू एस, एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस फोर एस प्लस 12, यानी यहां से आप देख रहे हैं एस स्क्वायर प्लस 7 एस प्लस 12। यहां पे आप बताइए एस का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, एस का मैक्सिमम पावर कितना है, 2। यानी यही होता है इस सिस्टम का ऑर्डर, क्या होता है, ऑर्डर। ये तो हमने एक सिंपल इक्वेशन ले लिया तब हुआ, लेकिन मानते हैं कि क्यू एस यानी जहां पे क्यू एस क्या है, डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है। मानते हैं कि क्यू एस बराबर कोई ऐसा इक्वेशन मिलता जैसे ए वन एस के पावर एन प्लस ए टू एस के पावर एन माइनस वन प्लस ए थ्री एन माइनस टू, इस तरीके से आगे कहाँ तक जाता, ए इनफाइनाइट तक जाता जो भी टर्म होते, और कहाँ तक जाता, एस के पावर जीरो तक। तो ये कोई पॉलिनोमियल होता तो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ सिस्टम होते वो क्या होते, देन ऑर्डर ऑफ सिस्टम। ऑर्डर ऑफ सिस्टम कितने होते हैं या कंट्रोल सिस्टम कितना होता, मैक्सिमम पावर क्या है, एस का एन, मैक्सिमम पावर क्या है, एस का एन। यानी क्या होता है यहां पे, एन क्या होता उस सिस्टम का, ऑर्डर ऑफ सिस्टम। और ऑब्जेक्टिव के व्यू से देखा जाए तो ये ऑर्डर और टाइप जो होते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में कि बताइए इस सिस्टम का कितना ऑर्डर है या कितना टाइप है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको A1 और A2 ये सब क्या देखने को मिल रहा है। तो आप इस वाले को एक
एग्जाम्पल से कैलकुलेट कीजिए या कंपेयर कीजिए। देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो वन रख दे तो किन्हीं को आपत्ति विपत्ति है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो सेवन ऑलरेडी है, यहाँ पे कुछ नहीं है। देखिए तो यहाँ से इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें तो एस का पावर टू, ए के जगह पे क्या है? वन। यानी ए जो दिख रहा है आपको, ए वन और ए टू और ए थ्री, ये क्या है? कोई कॉन्स्टेंट टर्म है। क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म। आप इस इक्वेशन से अंदाजा लगा सकते हैं एस स्क्वायर एस के पावर यहाँ पे कितना के बराबर है? एन के बराबर है। यानी ए वन ए टू ए थ्री ए इनफाइनाइट तक क्या है? कोई कांस्टेंट टर्म है, और एस क्या है? वेरिएबल टर्म है। तो इस प्रकार से ऑर्डर हो गए। हम एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, उसका ऑर्डर क्या होगा आप वीडियो को पॉज करके जरा बताइएगा। इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे? देखिए यहां पे अगर सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एस कितने होंगे? कभी भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक टर्म यहां से आएंगे, एक टर्म यहां से आएगा, यानी एक पावर यहां से, एक पावर यहां से, एक पावर यहां से, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? तीन। यानी ये जो सिस्टम दिख रहा है, ये जो जी एस बराबर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, एस बराबर कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, इसका मैक्सिमम पावर किसका? नोमिनेटर का या डिनोमिनेटर का? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का जो मैक्सिमम पावर होगा एस का, वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर। यानी यहां से आप बता सकते हैं कि किस प्रकार का है ये, किस प्रकार का है बताइए। यानी इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है? तीन। एक एस, दो एस, तीन एस, ऐसे जोड़ के लिख देना है। अब दिमाग में आ रहा होगा, एक दूसरा सा एग्जाम्पल देखते हैं, के इंटू एस प्लस टू एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस थ्री एस प्लस एस क्यू प्लस फोर एस प्लस एस प्लस बारह। इसमें जरा बताइए कि नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होंगे। हमने अभी आपको बताया यहाँ पे कि एक दो तीन, यानी काउंट करके हमने इसको बता दिया कि तीन ऑर्डर होंगे। जरा यहाँ पे बताइए इस वाले में कि नंबर ऑफ या ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होंगे। इसमें काउंट कीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः, आपके अकॉर्डिंग तो कितना होना चाहिए था? सात। छः, एक बारह वाला टर्म में एस के पावर जीरो लगा देंगे तो भी हो जाए, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? सात। क्या ऑर्डर ऑफ सिस्टम इसका सात होगा? नहीं। इसके ऑर्डर ऑफ सिस्टम कितने होंगे? हमने बताया कि डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर, आप इसको जोड़ घटाओ कीजिएगा तो मैक्सिमम पावर इसमें क्या है? तीन है। यानी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होंगे? तीन होंगे, ना कि सात होंगे। क्यों? हमने यहाँ पे एक दो तीन इसलिए आपको डायरेक्ट बोला कि आप जब इसको मल्टीप्लाई करते तब इसका मैक्सिमम पावर कितना आता? तीन आता, इसलिए हमने डायरेक्टली एक दो तीन काउंट कर लिया था, ना कि यहाँ पे इसका काउंट होगा। ठीक है, तो ये था ऑर्डर ऑफ सिस्टम। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है। टाइप ऑफ सिस्टम में हमको ये बात ध्यान रखना होता है कि नंबर ऑफ पोल कितने हैं। देखिए जरा, हमने आपको पोल के बारे में पिछले लेक्चर में ही बताया था कि पोल क्या होते हैं और जीरोज क्या होता है। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना होता है कि पोल्स कितने होते हैं। लेकिन सारे पोल अगर मान लिया जाए, छः पोल होंगे इसके, तो छः को हम टाइप्स ऑफ सिस्टम नहीं बोलेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन है। जरा देखिए यहाँ पे, सबसे पहले पोल्स किसको बोलते हैं। मानते हैं कि कोई ट्रांसफर फंक्शन किसी सिस्टम का दिया हुआ है, k इंटू एस प्लस टू एस प्लस थ्री इंटू एस प्लस फोर इंटू एस। ठीक है, अब इसमें पोल कैसे कैलकुलेट करते थे। हमने आपको पोल कैलकुलेट करने का तरीका बताया कि सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या हो जाएंगे? ये वाला, यानी क्यू एस बराबर एस प्लस थ्री इंटू एस प्लस फोर इंटू एस। यहाँ से जो एस का वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। यानी यहाँ से आप पाएंगे कि एस बराबर क्या क्या है, यानी एस बराबर एक माइनस तीन आएगा, एक कितना आएगा? माइनस चार आएगा, एक कितना आएगा? जीरो आएगा। ये क्या है? पोल है। यानी पोल कौन कौन से हैं? माइनस तीन, माइनस चार और जीरो। तब टाइप्स ऑफ सिस्टम बोलते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम, कि
नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन। तो ओरिजिन कहने का मतलब क्या होता है, जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ओरिजिन क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट को, यानी यहां पे एस पे हम लोग क्या दिखाते हैं, एस के वैल्यू को दिखाते हैं। तो बताइए एस का वैल्यू यहां ओरिजिन बोलते हैं, तो बताइए यहां पे पोल अगर दिखाते हैं तो यहां पे कितने पोल आ रहे हैं जरा बताइए, तो सिर्फ और सिर्फ एक, यानी ओरिजिन पे कितने पोल हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। यानी टाइप्स बोला जाता है कि नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, यानी कहने का मतलब हुआ कि एस का वैल्यू जीरो कितना है, कितना वैल्यू एस का जीरो है। यहां से आप देख रहे हैं कि एस का वैल्यू एक कितना है, सिर्फ और सिर्फ एस का कितना वैल्यू जीरो के बराबर आया, एक वैल्यू। मान लेते कि यहां पे कितना वैल्यू होता, दो, तब बताइए कि एक और कितना होता, एक और जीरो। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि इस वाले के लिए अगर यहां पे पावर कितना है, वन है, तो कौन से टाइप के सिस्टम हो जाएंगे, कौन से टाइप के सिस्टम हो जाएंगे, टाइप वन के सिस्टम हो जाएंगे। कौन सा सिस्टम, टाइप वन सिस्टम। अगर पावर यहां पे कितना रहता, दो रहता, तब कौन सा सिस्टम होता, टाइप टू सिस्टम होता। पावर थ्री रहता, कितना रहता, थ्री, किसका, इस वाले का, यानी एस का वैल्यू जीरो कितना बार आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, टाइप। यानी तीन रहता तो टाइप कौन सा हो जाता, टाइप थ्री सिस्टम। लेकिन जरा बताइए तो ये नहीं रहता तब कितना होता, तब इसका टाइप कितना होता, यानी बताइए कोई भी पोल्स इसके जीरो पे है, कोई भी पोल्स जीरो पे है इसके, नहीं है। यानी इसमें कोई भी टाइप्स का वैल्यू, पोल्स का वैल्यू जीरो पे नहीं है, यानी ये कौन सा सिस्टम है, टाइप जीरो सिस्टम। यानी ऑर्डर हमने अभी देखा, कभी ऑर्डर जीरो हो सकता है, ऑर्डर कभी कोई सिस्टम का जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन टाइप जीरो हो सकते हैं, हमने अभी देखा टाइप जीरो हो सकता है। ये वाला सिस्टम में देखिए तो कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं है, यानी किस प्रकार का सिस्टम है, टाइप जीरो सिस्टम है। दूसरा एक एग्जांपल समझते हैं, यानी अगर मान लिया जाए कि कोई डिनोमिनेटर का इक्वेशन दिया हुआ है, ए वन एस के पावर एन प्लस ए टू एस के पावर एन माइनस वन, इस तरीके से आगे बढ़ता जाए अगर, तो तब क्या होगा, टाइप्स ऑफ सिस्टम बराबर, हम यहां पे ये जो स्मॉल एन आपको दिख रहा है वो एन नहीं लिख रहे हैं, हम यहां पे कैपिटल एन लिख रहे हैं। आप ये मत समझ जाइएगा कि एन का पावर कुछ है तो उसको लिख देंगे, हम यहां पे कैपिटल एन लिख रहे हैं, कैपिटल एन, जिसका वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, एट्स ओरिजिन। तो ये हो जाएंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम, हमने टाइप्स देखा और ऑर्डर देखा। अगले वीडियो में हम क्लोज लूप और ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, यानी जब हम लोग फीडबैक को इंट्रोड्यूस करते हैं ओपन लूप में, तब उस पर क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या टर्म है जो फीडबैक लगाने के बाद वैरी करता है, उस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए, धन्यवाद।